श्री गोपाल जी मोहल्ला गणगौर समिति की बुलावड़ी संपन्न आकर्षक झांकियों को देखने के लिए उमड़े शहरवासी। झूलेलाल युवा समिति ने मनाया संत कबरराम का 134वां जन्मोत्सव, प्रतिमा का दुग्धाभिषेक कर किया माल्यार्पण। शहर में दुर्गाष्टमी के मौके पर मंदिरों में हुए विविध आयोजन, आशापुरा माता मंदिर में आयोजित हुआ मेला। और गायनिकवाड़ में सुविधा शुल्क वसूली का वीडियो हुआ वायरल, चिकित्सा निदेशक के निर्देश पर हरकत में आया AKH प्रशासन। नमस्कार, जिसके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों की ओर बढ़ते हैं। झूलेलाल युवा समिति की ओर से शनिवार को अमर शहीद कबरराम साहब का 134वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जन्मोत्सव कार्यक्रमों का शुभारंभ शनिवार सुबह चांगेट चर्च रोड स्थित संत कबरराम मंदिर में प्रतिमा का दुग्धाभिषेक करके माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान भजन कीर्तन कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित भजन गायकों ने भजन और कीर्तन किया। भजन कीर्तन के पश्चात समिति की ओर से राजकीय अमृतगांव चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों को फल वितरित करते हुए उनकी कुशल क्षेम जानी गई और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की गई। फल वितरण कार्यक्रम के दौरान दिलीप खत्री, कमल चचलानी, जयकिशन तिलोकानी, सुंदर तेजवानी, तारचंद प्रियानी, रेशमा, योगिता, भानु सहित समिति के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री गोपाल जी मोहल्ला गणगौर समिति की ओर से आयोजित किए जा रहे 7 दिवसीय गणगौर मेले का समापन बोलावनी शुक्रवार रात को महादेव जी की छतरी पर हुआ। मेला संयोजक शिविंद्र जोशी, संजय गर्ग और अशोक मुंदड़ा ने बताया कि करीब 122 साल पुरानी ईसर गणगौर की मुख्य प्रतिमाओं सहित अन्य देवी प्रतिमाओं, जिनमें भगवान शंकर, कृष्ण, कामदेव, सरस्वती माता, बालाजी, कार्तिक, श्रीकृष्ण, माँ दुर्गा, रामदेव जी की प्रतिमाओं की झांकी निकाली गई। इन सभी प्रतिमाओं का ऋषिराज सोनी, राजेश ठटेरा और जितेंद्र सोनी द्वारा नमिधाम श्रृंगार किया गया। सभी प्रतिमाओं की यात्रा बोलावनी गोपाल जी मोहल्ला से शुरू होकर फतेहपुरिया चौपड़ से अजमेरी गेट बाहर सुभाष चौक पर पानी पिलाने की रस्म अदा की गई। सुभाष चौक पर मुख्य आकर्षण का केंद्र जयपुर का जिया बैंड रहा। इस अवसर पर जिया बैंड की ओर से समुद्र संगीतमय धुन पेश की गई, जिस पर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हुए। इसके बाद महादेव जी की छतरी पर ईसर गणगौर के फेरे की रस्म अदा की गई। प्रचार मंत्री नरेश शर्मा ने बताया कि बोलावनी के दिन पूरे बोलावनी मार्ग को गोपाल जी मोहल्ला से लेकर अजमेरी गेट, अग्रसेन बाजार, महादेव जी की छतरी और कॉरपोरेट जाकर ईसर गणगौर की जो सवारी निकाली गई बहुत ही आकर्षक रूप से निकाली गई। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष विपिन जोशी, राजेंद्र सराफ, अशोक गोयल, अचल सिंह राजपुरोहित, नरेश शर्मा, राहुल गोयल, जितेंद्र सोनी, बबलू अग्रवाल, जगदीश राजपुरोहित, सतनाम सिंह, परविंद्र सिंह, गौरी शंकर, सोहनलाल शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।
जबाजा थाना अंतर्गत ग्राम नाहरपुरा चौराहे पर शुक्रवार रात को एक ट्रक और कार की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि कार में सवार एक युवक और युवती की बुरी तरह से फंसने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची जबाजा थाना पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस की सहायता से AKHK मोर्चरी पहुंचाया। पुलिस ने शनिवार सुबह दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किए। जानकारी के अनुसार बरार निवासी फतेह सिंह पुत्र दिलीप सिंह शुक्रवार रात में नाहरपुरा निवासी नर्मदा देवी पत्नी भगवान सिंह के साथ कार में सवार होकर बरार की तरफ जा रहे थे कि नाहरपुरा चौराहे पर सामने से आ रहे ट्रक से उनकी भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में कार सवार नर्मदा देवी और फतेह सिंह की मौत हो गई। उधर दुर्घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने फरार ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बीते दिनों सर्दी के मौसम को कोसने वाले अपनी बात पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों के विदा होते ही शुरू हुए गर्मी के मौसम ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अचानक बड़े तापमान से जनजीवन के होश उड़ा दिए हैं। आम लोग 38 से 40 डिग्री तक पहुंचे मौसम के पारे से राहत पाने के लिए कूलर की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। इन दिनों मध्यम वर्ग को गर्मी से राहत दिलाने के लिए बाजार में लकड़ी के कूलर ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। प्राकृतिक स्वरूप में नजर आने वाले जो लकड़ी के कूलर हैं, गर्मी की मार चाहते हुए ठंडी हवा दी जाने के लिए लोकप्रिय हो रहे हैं। हालांकि आधुनिक तकनीक से बने ब्रांडेड कूलर भी ठंडी लहरदार हवा छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, पर सरकार की टैक्स नीति और आधुनिक कूलरों के दाम में हुई बढ़ोतरी के कारण आम आदमी के कदम लकड़ी से बन रहे परंपरागत कूलरों की ओर मोड़ दिए गए हैं। कहते हैं कि सर्दी का तोड़ निकल सकता है, लेकिन जब जरा जरा गर्मी की कहानी कह रहा हो तो राहत के लिए सिर्फ आसमान का ही सहारा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में जनता को गर्मी की भीषण मार सहनी पड़ सकती है। मौसम के बदलाव के साथ गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। शहर में तापमान प्रतिदिन बढ़ रहा है। गर्मी के साथ महंगाई का पारा भी बढ़ने से आमजन परेशान है। हरी सब्जियां, तिलहन, दाल के दाम आप तापमान में बढ़ते नजर आ रहे हैं और आमजन के रसोई का बजट भी लगातार इसके कारण बिगड़ता नजर आ रहा है। आवश्यक खाद्य सामग्री की कीमतों में एक माह में 5 से लेकर 20% तक की बढ़ोतरी होने से निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ने लगा है। सब्जियों की आवक कम होने का सीधा प्रभाव दालों पर पड़ रहा है। गर्मी का मौसम शुरू होने से बाजार में सब्जियों की आवक कम हो जाती है, जिसके चलते दामों में वृद्धि होती है, जिसके कारण दालों की मांग बाजार में बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप दालों की भी कीमतों में बढ़ोतरी देखी जाती है। गर्मी के आते ही अमूमन सब्जियों की आवक कम होती है, जिसके चलते हरी सब्जियों के दाम बढ़ते हैं। साथ ही दलहन की मांग बढ़ जाने से उनके भी भाव बढ़ने लगते हैं। मार्च के अंत में हरी सब्जियों के भाव सामान्य थे, जैसे ही मौसम में परिवर्तन आया, गर्मी के तेवर तेज हुए, वैसे वैसे बाजार में सब्जियों की आवक कम होने लगी। इसके चलते सब्जियों के भाव में अप्रैल के प्रारंभ से ही उछाल आ गया है। जैन सोशल ग्रुप की ओर से मनाए जा रहे भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के तहत सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार को AKHK की मदर चाइल्ड विंग के शिशु वार्ड में भर्ती हुए 101 नवजात शिशुओं के लिए बेबी किट्स वितरित किए गए। इस मौके पर उपस्थित ग्रुप सदस्यों ने बच्चों की माताओं को किट्स भेंट किए। बेबी किट्स वितरण के दौरान पवन जैन, मनीष भंसाली, मोहित जैन, सिद्धार्थ जैन, विनोद बोहरा, विजय मेहता, अशोक मुणोत, डॉक्टर MS चांदावत, स्वाति डेडिया, रंजना ओसतवाल, श्विता भराडिया, वर्षा ओसतवाल, सारिका बोहरा, श्विता भंसाली सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जैन सोशल ग्रुप नौकार द्वारा सेवा सप्ताह की प्रारंभ हुआ था। आज उसका अंतिम दिन है। इसके उपलक्ष्य में हमने शिशु वार्ड में बच्चों को किट, फ्रूट्स और ये बांटे जाएंगे। शहर में लोकसभा चुनाव के दौरान वोट अपील के लिए लगाए गए पोस्टर में सैनिकों का उपयोग करने और पोस्टर के नीचे अपीलकर्ता में सहायक निर्वाचन अधिकारी का नाम होने को लेकर शनिवार को एडवोकेट रामेश्वर मेवाड़ा ने SDM को एक लिखित शिकायत दी। SDM JS संधु को दी गई शिकायत में मेवाड़ा ने पोस्टर में वोट के नाम पर भारतीय सेना का उपयोग करने पर कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही उक्त पोस्टर में सहायक चुनाव अधिकारी को अपीलकर्ता के रूप में दर्शाने को लेकर भी मेवाड़ा ने नाराजगी जाहिर की है। मेवाड़ा ने बताया कि जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सेना का राजनीतिकरण नहीं करने और किसी प्रकार की वोट अपील में उनका उपयोग नहीं करने के निर्देश जारी कर दिए, फिर भी शहर की एक सामाजिक संस्था की ओर से मिशन ग्राउंड के बाहर एक मतदान अपील का एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें भारतीय सैनिकों को प्रदर्शित किया गया है। पोस्टर के नीचे प्रेस लाइन में सहायक निर्वाचन अधिकारी का नाम भी शामिल है। इस दौरान सहायक निर्वाचन अधिकारी JS संधू ने इस बात की जानकारी से मना करते हुए कहा कि ऐसे किसी भी पोस्टर के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। साथ ही उक्त पोस्टर में सहायक निर्वाचन अधिकारी के नाम की सहमति भी यहां से जारी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही पोस्टर को वहां से हटवाया जा रहा है और अगर आवश्यक हुआ तो पोस्टर जारी करने वाली संस्था के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ATS संस्था कोई नाम के ये है NGO, इसने मतदान की अपील करते हुए फौजियों के जो पोस्टर लगाए हैं वो
आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और साथ ही अन्य चुनावी संस्थाओं, चुनाव आयोग वगैरह के जो भी स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार से सेना का उपयोग किसी भी पोस्टर में या किसी भी चुनाव के कार्यक्रम में उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, उसके बावजूद ये पोस्टर इस ब्लॉक घर में लगाए गए हैं। मैं कल से इसकी कंप्लेंट करने के लिए प्रयासरत रहा हूँ, आज इसकी मैंने कंप्लेंट की है रिटर्निंग अधिकारी को। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि रिटर्निंग अधिकारी की जानकारी में भी ये बात नहीं है कि ये जो पोस्टर लगा है इसमें सेना के जवानों का दुरुपयोग करता हुआ बताया जा रहा है और मतदान की अपील करते हुए बताई जा रही है। इसलिए मैंने आज इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग को लिखा है और मैंने एक पत्र दिया है कि इनके खिलाफ इसको तुरंत प्रतिबंधित कर दिया किया जाए और इसको तुरंत हटाया जाए। श्री साहू समाज गणगौर समिति द्वारा आयोजित 9 दिवसीय मेले का समापन शुक्रवार को तेलियान चौपड़ पर राधा कृष्ण मंदिर में ईसर गणगौर के मंगल फेरे के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर ईसर गणगौर की शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि महावीर बाजार, सुनारायण चौपड़, भारत माता सर्किल, तीजा चौक, बालाजी की खिड़की, गुजरान गली होते हुए गंतव्य स्थान तेलियान चौपड़ स्थित राधा कृष्ण मंदिर पहुंची, जहां पर आरती के बाद गणगौर मेले का समापन किया गया। इस मौके पर पप्पू अजमेरा, पुखराज गुलानिया, पार्षद अंगदराम अजमेरा, नैनूराम मावर, रामचंद्र मावर, जयनारायण आसरवा, पिंटू साहू, बाबूलाल अजमेरा सहित अन्य समाज बंधु उपस्थित थे। उत्तराखंड के सबसे बड़े राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के गायनिक वार्ड में शुक्रवार रात को एक युवक द्वारा प्रसूताओं के साथ चौथ वसूली करने का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पीएमओ डॉक्टर एमके जैन ने इस मामले में रणजीत नाम के एक युवक के खिलाफ सिटी थाने में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव के मार्फत लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। इसी प्रकरण में पीएमओ डॉक्टर जैन ने वार्ड में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारी नीतू कंवर और छोटी बाई को एपीओ करते हुए उन्हें जयपुर मुख्यालय में ड्यूटी देने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि पूर्व में सफाई ठेकेदार के अनुबंध पर अस्पताल में साफ सफाई करने वाले रणजीत नामक एक युवक का मदर चाइल्ड विंग के गायनिक वार्ड में प्रसूताओं और उनके परिजनों से सुविधा शुल्क के नाम पर 50-50 रुपए की राशि वसूलते हुए एक वीडियो शहर के सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हुआ था। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा था कि उक्त युवक वार्ड में भर्ती प्रसूताओं और उनके परिजनों को धमका कर सुविधा के नाम पर राशि वसूल कर रहा है। एक रोगी परिजन द्वारा की गई बातचीत के दौरान उक्त युवक ने कहा कि यहाँ पर सभी पैसे लेते हैं और वह तो नर्सिंग कर्मचारियों के लिए राशि लेता है। जानकारी मिली कि उक्त वीडियो क्लिप चिकित्सा विभाग के निदेशक डॉक्टर समित शर्मा के पास भी पहुंच गई। डॉक्टर शर्मा ने इसे गंभीरता से लेते हुए पीएमओ डॉक्टर जैन को कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए। तब कहीं जाकर अस्पताल प्रशासन गंभीर हुआ और उक्त युवक के खिलाफ कार्यवाही की गई। अब यहां पर एक अहम सवाल उठता है कि अगर राशि वसूलने वाला युवक अस्पताल का नियमित और अनुबंध कर्मचारी नहीं है तो फिर वह बेरोकटोक अस्पताल में कैसे घुस जाता है और वार्ड में जाकर किस तरह की शह पर प्रसूताओं और परिजनों से सुविधा शुल्क के नाम पर चौथ वसूली करता है। क्या यह मान लिया जाए कि जो बात युवक वीडियो में कह रहा है वह नर्सिंग स्टाफ के लिए राशि लेता है, क्या यह सही है? अगर ऐसा है तो फिर अस्पताल प्रशासन इतने दिनों तक आंखें क्यों मूंदे बैठा है? इससे पूर्व भी अस्पताल में चौथ वसूली के लिए कई शिकायतें मिली है, तो फिर उन शिकायतों के बाद जांच क्यों नहीं करवाई गई? खैर, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह तो तय है कि अस्पताल के गायनिक वार्ड में गाय बघाएं वसूली तो होती रहती है, लेकिन किसी के सामने नहीं आने के कारण ऐसे तत्वों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं ला जाती और उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। आज सुबह पीएमओ साहब के निर्देश पर मैं थाने गया था, वहाँ पर मैंने रणवीर सिंह के खिलाफ FIR लॉन्च कराई है, जिसमें जिसका कारण ये था कि एक वीडियो वायरल हो गया था जिसके अंदर वो बच्चों के वार्ड के अंदर वो 50 रुपये की वसूली गलती कर रहा था और जबरदस्ती वसूली कर रहा था, जो एक बहुत ही ख़राब बात है हमारे चिकित्सालय के लिए। हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी घटना हमारे अस्पताल में घटे,
तो श्रीमान पी ओ साहब ने इस पर एक संज्ञान लेते हुए एफ आई आर दर्ज कराई और उसमें उसके नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है उसके अंदर। और ये जांच करने पर प्रथम दृष्टा पाया गया कि वो पहले सफाई कर्मचारी था, पहले वो सफाई का ठेका जो जिसके पास था उसका कर्मी था और लगभग 3 महीने पहले उस ठेकेदार ने उसको सफाई कार्य से निष्कासित कर दिया था, पर फिर भी वो वहाँ आ रहा था और इस तरह की हरकतें हो सकता लगातार कर रहा हो। तो आज जब वो पकड़ में आया तो हमने कठा बहुत कड़ी कार्रवाई करते हुए एफ आई आर कराई। सी आई साहब से मैं पर्सनल मिल के आया हूँ और उनके उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करने के लिए की शुरुआत की है। शहर के सूरजपुर गेट बाहर स्थित काली माता मंदिर में दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में हवनादि कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर हवन में आहुतियां दी। अष्टमी पर्व के दौरान पंडित जय शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन करवाया जिसमें न्यायाधीश महेंद्र आसीवाल और श्रीमती भीष्म शर्मा ने शर्मा के मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी गई। इस दौरान 9 कन्याओं का पूजन करते हुए उन्हें भोजन करवाया गया और श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान भगवती दिया सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। मालूम हो कि काली माता मंदिर में नवरात्र पर्व के दौरान प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के साथ साथ श्रद्धालु प्रातःकालीन और संध्या आरती में भाग लेकर धर्म लाभ ले रहे थे। इसी प्रकार दुर्गाष्टमी के मौके पर शहर में भी घर में कन्या पूजन किया गया। घरों में कन्याओं को तिलक लगाकर और हाथ में मूली बांधकर भोजन करवाया गया, साथ ही दक्षिणा देकर उनकी विदाई भी दी गई। शहर के अजमेर रोड स्थित दादी धाम में शनिवार को दादी जी कैसेट्स की ओर से विशाल मंगल पाठ का आयोजन किया गया जिसमें गायक गोपाल वर्मा और सहयोगी कलाकारों ने संगीत में प्रस्तुति दी। नारायणी चरित्र मानस के अनुसार नारायणी के पूर्वजन्म के वृत्तांत से लेकर दुर्गा स्वरूप दादी जी के रूप में अवतरित होने की कथा को 5 स्कंदों में संगीत में वाचन किया गया। इस दौरान गोपाल वर्मा ने प्रसंग सुनाते हुए बधाई गान झूमो नाचो खुशी मनाओ जन्म उत्सव आज मनाएंगे माँ गौरा थाने पूजूं सरी के धार्मिक भजन प्रस्तुत किए। इस मौके पर नारायणी विवाह प्रसंग पर नारायणी द्वारा बाण पूजन कराया गया। इस दौरान दादी परिवार न्यास के गणेश प्रसाद बुधिया बद्री प्रसाद गर्ग धरणीधर गर्ग केदार गर्ग रजनीश सिंगल सुशील गर्ग रमेश सिंगल अजय मोदी सहित अनेक भक्तजन उपस्थित थे। मंगल पाठ से पूर्व सुबह मंदिर परिसर में हवन और कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शहर में शनिवार को दुर्गाष्टमी के मौके पर विभिन्न माता मंदिरों में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान हवन यज्ञ और विधिवत पूजा कार्यक्रमों का साथ साथ में नवरात्र पर्व का समापन भी किया गया। इसी क्रम में टाटगढ़ रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर परिसर में शनिवार को मेले का आयोजन हुआ। मेले में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। दुर्गाष्टमी के मौके पर संध्या आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त किया। महाआरती के दौरान उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमने लगे। इस मौके पर विशेष आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और माता के दर्शन कर अपने परिवार की कुशल मंगलाय कामनाएं की। मंदिर परिसर में नवरात्रि के मौके पर प्रतिदिन आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम के दौरान शहर के भजन गायकों ने माता के दरबार में एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। देर रात तक चले मेले में श्रद्धालुओं ने चाट पकौड़ी सहित अन्य प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। उधर माताजी के मंदिर में कई श्रद्धालुओं की ओर से प्रसाद का वितरण किया गया। मेले में मेलार्थियों के लिए पानी और रोशनी के व्यापक बंदोबस्त भी देखे गए। साथ ही किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाओं को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ते का भी विशेष प्रबंध वहां पर किया गया था। निकटवर्ती ग्राम रामगढ़ सेडोतान सहित आसपास के निवासियों ने शनिवार को DDF से निर्माण कार्य के दौरान पुलिया की चौड़ाई कम होने को लेकर वहां के विधायक अविनाश गहलोत को ज्ञापन सौंपा। पूर्व सरपंच पांचो सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए झाड़ली मानपुरा कुरातिया शेरगढ़ कोटड़ी धोलिया और बोरबाड़ के ग्रामीणों ने समस्या का समाधान नहीं होने की सूरत में लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। जिला कलेक्टर पाली के नाम दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे दोहरीकरण के लिए रेलवे कॉरिडोर पुलिया नंबर 463 का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त पुलिया को बिल्कुल ही छोटा बनाया जा रहा है जबकि पुलिया के सामने और आसपास में ही आवासीय कॉलोनी बसी हुई है। पुलिया के साइज को देखकर लगता है कि भविष्य में यहां से कोई भी छोटा बड़ा चौपहिया वाहन नहीं निकल सकता जिसके कारण आसपास के करीब 25 से अधिक गांवों का आपस में संपर्क टूट जाने की आशंका बनी हुई है। ज्ञापन में बताया गया कि जब तक नया हाईवे नहीं था तब नेशनल हाईवे 14 पर रेलवे फाटक के पास आए दिन जाम लगा रहता था। तब नेशनल हाईवे 14 से आवाजाही का एकमात्र यही रास्ता था जहां से सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहन सुगमता से निकल जाते थे। अगर निकट भविष्य में NH-162 बाधित होता है तो NH-14 पर यातायात का डाइवर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार गाँव में स्थित राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय सेंद्रा में आसपास के गाँवों में आकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी सुगम आवागमन के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से उक्त सभी समस्याओं के समाधान के लिए उक्त पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने की मांग की है।
गौड़ ब्राह्मण संस्था महिला शाखा की ओर से शनिवार को देलवाड़ा रोड स्थित परशुराम भवन में गणगौर उत्सव का आयोजन किया गया। महिला कार्यकारिणी अध्यक्ष श्रीमती सुनीता ने बताया कि गणगौर उत्सव में बड़ी संख्या में समाज की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर महिला कार्यकारिणी द्वारा भवन को आकर्षक रूप से सुसज्जित किया गया। कार्यक्रम के दौरान इसर गणगौर की वेशभूषा और सोलह श्रृंगार कर महिलाओं ने गीत और नृत्य की प्रस्तुति देकर भवन को गुंजायमान किया। कार्यक्रम के अंत में हाउजी गेम और अल्पाहार का भी महिलाओं ने भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती अंजलि भार्गव और लक्ष्मी भारद्वाज ने किया। गणगौर उत्सव के दौरान कौशल्या कौशिक, ललिता शर्मा, सुमित्रा शर्मा, ललिता शर्मा, निधि शर्मा, रुचिका शर्मा, अंजलि, संजू, लक्ष्मी भारद्वाज, श्यामलता, कवल शर्मा, मोनिका, रेखा जोशी, पुष्पा शर्मा, गिरिराज शर्मा सहित अन्य कई महिलाएं और पुरुष भी उपस्थित रहे। रायपुर थाना क्षेत्र के नहरपुरा प्रतापगढ़ में खेत पर काम करते समय एक युवक पर ट्रैक्टर चढ़ गया, जिसके कारण युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। युवक के पेट पर ट्रैक्टर का हल लगने से उसका पेट फट गया। घटना की जानकारी के बाद जख्मी युवक को उपचार के लिए राजकीय अमृतकाल चिकित्सालय भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार नहरपुरा निवासी पप्पू सिंह पुत्र लाडू सिंह रावत शनिवार को खेत पर ट्रैक्टर से खड़ाई का काम करवा रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान पप्पू सिंह वजन के लिए लोहे के हल पर बैठा था। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया। गिरने के दौरान लोहे का हल पप्पू के पेट पर चला गया, जिसके कारण उसका पेट फट गया और शरीर के अन्य हिस्सों में जख्म हो गए। घायल अवस्था में पप्पू सिंह का एकेएच में उपचार जारी है। आइए देखते हैं वो खबरें जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। अतिक्रमण की समस्या शहर में नासूर बनती जा रही है। सूरजपुर गेट बार स्थित विजयनगर रोड के मोड़ पर इन दिनों लगने वाले जाम से आमजन परेशान हो चला है। रविवार को पुराना मसूदा रोड पर विजयनगर रोड के मुख्य तिराहे पर जबरदस्त जाम लग गया था। बाकी बिहारी मंदिर के बाहर लगे इस जाम से शहर में ग्रामवासी काफी परेशान नजर आए। इसी मार्ग पर शमशान घाट होने के कारण भी अड़ती ले जाने वाले लोग भी इंतजार करते देखे गए। इसी प्रकार शुक्रवार को शहर के पाली बाजार से प्रशासन द्वारा अतिक्रमण पर कार्यवाही की गई, लेकिन कुछ समय बाद ही स्थिति जस की तस हो गई। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि शहर के विभिन्न हिस्सों में अतिक्रमण की चपेट में आए समस्त इलाके को अतिक्रमण से मुक्त करवाए। मसूदा थाना क्षेत्र के देवास गांव में एड़ा प्रथा की आड़ में वन्य जीवों के शिकार करने के मामले में बिहार वन विभाग की टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार देवास गांव में ग्रामीणों द्वारा एड़ा प्रथा का आयोजन किया जा रहा था। इसी दौरान वन विभाग की टीम ने सर्किल एरिया का अवलोकन करते समय ग्रामीणों को एड़ा प्रथा करता देख ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने मसूदा पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस सप्ताह शहर में गणगौर के पर्व पर महिलाओं में काफी उल्लास से उमंग नजर आई। गणगौर के अवसर पर महिलाओं ने मेहंदी रचाकर भव्य श्रृंगार किया। फल फूल व हरिदोप से इसर गणगौर का पूजन किया गया। महिलाओं ने सामूहिक रूप से घरों में मंगल गीत गाए और इसर गणगौर के चित्र पर भी कुमकुम रोली चावल लगाकर भोग लगाया। उधर महिलाओं ने जहां इसर गणगौर की पूजा अर्चना करके सुहाग की लंबी उम्र की कामना की, वहीं कुमारी कन्याओं ने उत्तम वर के लिए गणगौर का पूजन किया। गणगौर पर्व के अवसर पर सुंदर वेश परिधान धरे महिलाएं काफी उल्लासित नजर आ रही थी। उधर प्रांतीय राजपूत महासभा गोपाल जी का बड़ा मंदिर बड़ा बास ब्यावर के तत्वावधान में सामूहिक गणगौर उद्यापन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज की महिलाओं ने सिर पर कलश धारण करके सुभाष उद्यान से शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के दौरान इसर गणगौर की भव्य झांकी भी सजाई गई। ब्यार वन क्षेत्र को प्रोजेक्ट लेपर्ड में शामिल किए जाने की कवायद तेज हो गई है। अधिकारियों की ओर से प्रोजेक्ट लेपर्ड की रिपोर्ट मुख्यालय भिजवा दी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही प्रोजेक्ट लेपर्ड में ब्यावर को शामिल करने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल जाएगी। जवाजा के क्षेत्र को भी प्रोजेक्ट में शामिल करने के बाद लेपर्ड संरक्षण का क्षेत्र 30 से बढ़कर 75 किलोमीटर हो जाएगा, जिसके बाद ब्यावर वन क्षेत्र में रह रहे लेपर्ड को उचित संरक्षण मिल सकेगा। इसके लिए जल्द विभाग के उच्च अधिकारियों की टीम की ओर से सर्वे किया जाएगा। वन्य क्षेत्र में सफारी के लिए स्पेशल जिप्सी की भी व्यवस्था की जाएगी। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी भाजपा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बुधवार को पहली बार ब्यावर पहुंची। इस दौरान सेंद्रा थाना स्थित विधायक शंकर सिंह रावत के कार्यालय पहुंची दिया कुमारी का। विधायक रावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया तथा शौर्य के प्रतीक तलवार भेंट की। इस मौके पर दिया कुमारी ने राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के शेष रहे विकास कार्यों को पूर्ण करवाने तथा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का आश्वासन दिया।
राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मार्तेम शिशु रोग चिकित्सालय में तैनात स्टाफ खुद चिकित्सालय की पार्किंग व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। उनकी यह लापरवाही जहां व्यवस्था फैला रही है, वही एम्बुलेंस को चिकित्सालय के गेट पर खड़ा करने तक में बाधा बन रही है। बुधवार दोपहर में भी एक 108 एम्बुलेंस नर्सरी में भर्ती एक शिशु को उच्च चिकित्सालय रेफर करने के लिए एकेज पहुंची, लेकिन उन्हें गेट पर सही रूप से खड़ा करने तक में मशक्कत करनी पड़ी। वही एक स्टाफ भी 108 के पायलट को दूसरी ओर से वाहन बैक लाकर खड़ा करने की हिदायत देते नजर आया। ऐसे में स्वयं स्टाफ चिकित्सालय की व्यवस्था बिगाड़ने में लगा है। महात्मा ज्योतिबा फुले युवा सामाजिक शिक्षा समिति की ओर से गुरुवार को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर के अजमेर रोड सातपुलिया स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुवार सुबह आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण में दुग्धाभिषेक करते हुए ज्योतिबा फुले अमर रहे के नारे लगाए। यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों ने महात्मा ज्योतिबा फुले के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उनके चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। अजमेर लोकसभा संसदीय प्रत्याशी भागीरथ चौधरी की सभा में गुरुवार को भाजपा नेताओं में हुए हंगामे के बाद पीड़ित भाजपा नेता नवीन शर्मा ने शुक्रवार को सदर थाने में मामला दर्ज करवाया। शर्मा ने पूर्व विधायक सुशील कंवर पलाड़ा के पति भंवर सिंह पलाड़ा में उनके कुछ साथियों पर मारपीट व लूट का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही शर्मा ने इस मामले में 10 से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी है। उक्त मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी कवायद तेज कर दी है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कई प्रकार के स्वीप कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक किया। रोडवेज बस स्टैंड परिसर में ईवीएम वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एसडीएम के नेतृत्व में निर्वाचन कर्मियों में पहली बार मतदान करने जा रहे मतदाताओं व यात्रियों को ईवीएम मशीन द्वारा वोट देने की प्रक्रिया समझाई गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार 3 सदस्यीय टीम ने ब्यावर के मदर चाइल्ड विंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के तहत टीम सदस्यों ने मदर चाइल्ड विंग की सभी व्यवस्थाओं को जांचा और आंकड़े एकत्रित किए। इस दौरान टीम ने अब तक जन्मे बच्चों सहित मिल्क डोनेट संबंधी आवश्यक जानकारी ली। साथ ही टीम ने विंग में अन्य आवश्यक बिंदुओं पर भी विस्तृत चर्चा कर आंकड़े प्राप्त किए। निरीक्षण के दौरान टीम अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर ने बताया कि निदेशालय के निर्देश पर प्रदेश भर में मिल्क बैंक का निरीक्षण किया जा रहा है। उक्त निरीक्षण की रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाएगी और कुछ अवधि पश्चात द्वितीय निरीक्षण भी किया जाएगा। तो यह था साप्ताहिक टॉप 10 न्यूज़ बुलेटिन और इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। श्री गोपाल जी मोहल्ला गणगौर समिति की बुलावड़ी संपन्न, आकर्षक झांकियों को देखने के लिए उमड़े शहरवासी। झूलेलाल युवा समिति ने मनाया संत कबर राम का 134वां जन्मोत्सव, प्रतिमा का दुग्धाभिषेक कर किया माल्यार्पण। शहर में दुर्गाष्टमी के मौके पर मंदिरों में हुए विविध आयोजन, आशापुरा माता मंदिर में आयोजित हुआ मेला। और गायनिकवाड़ में सुविधा शुल्क वसूली का वीडियो हुआ वायरल, चिकित्सा निदेशक के निर्देश पर हरकत में आया एकेएच प्रशासन।